पीठ पर हमला करने वाले कायरों, ये देखो, देखो कैसे देश के एक सपूत की शहादत को सलाम करने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखो इन चेहरों पर रत्ती मात्र भी खौफ नहीं है। इनमें से ज्यादातर तो एक दिन पहले तक शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर को जानते तक नहीं थे, शायद उससे पहले कभी नाम भी सुना हो, लेकिन फिर भी आज इन्हें लगता है कि इन्होंने अपना एक भाई, अपना एक बेटा खो दिया। लिहाजा ये तमाम लोग अपने इस भाई, अपने इस बेटे को अंतिम सलाम करने पहुंचे। साथ ही तुम कायरों और तुम्हारे आका पाकिस्तान को यह भी बताना जरूरी था कि आम कश्मीरी घुटने टेकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, वो यूं ही बेखौफ लड़ता रहेगा कश्मीर की शांति के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। यह तस्वीरें तुम्हारे और तुम्हारे आका पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान है। देखो हंदवाड़ा के कलमूना ईदगाह में हजारों स्थानीय लोगों ने सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर के नमाज जनाजा में बेखौफ हिस्सा लिया, जहां तिरंगे में लिफ्टे जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑफिसर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। यूं तो कायरों तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने तुम कायरों की पहचान कर ली है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि अब तुम चंद दिन या सिर्फ चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं देख पाओगे। याद रहे अरशद अशरफ मीर अभी प्रोबेशन पर था, इस माँ ने अपने बेटे को लेकर कितने ख्वाब पाल रखे होंगे जिसको तुम कायरों ने छीन लिया, क्योंकि तुम घबराए हुए हो कैसे अरशद मीर जैसे ऑफिसर कश्मीर में नौजवानों के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल बनकर उभर रहे हैं। लेकिन देखो अरशद मीर शहीद होकर भी कश्मीरी नौजवानों के दिल में एक आग जला गया, जिसकी आंच में तुम्हारा दहन तय है। बारह सितंबर श्रीनगर के खानियार में तुम कायरों की तो इतनी भी हिम्मत ना हुई कि सामने से वार कर सको, चुपके से पीछे वार किया और फरार हो गए। लेकिन कब तक? तुम्हारा समय आने वाला है। जय हिंद।